बाकी बिहारी लाल की जय। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के जन्म के बाद किस प्रकार से बधाई दी जाती है, यानी नंदोत्सव मनाया जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी निदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे का नाम, तभी मिलेंगे श्यामा श्याम। सबसे पहले तो आप सभी लोग आज नंदोत्सव पर बिहारी जी के दर्शनों का आनंद लीजिए। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। आप सभी लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कि पुजारी जी भक्तों पर एक पीले रंग की चीज उड़ा रहे हैं और भक्त भी बड़े आनंद से उसे प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ बांके बिहारी मंदिर में इसे छीछी कहा जाता है और ये ठाकुर जी की वो कृपा है जो सिर्फ नंदोत्सव पर ही भक्तों को प्राप्त होती है। ठाकुर जी की इस कृपा को आप सभी देख ही रहे हैं कि भक्त कितने आनंद के साथ प्राप्त कर रहे हैं और पीले रंग से अपने आप को रंग में, ठाकुर जी के रंग में रंग रहे हैं। तो आप सब भी मानसिक रूप से छीछी को प्राप्त कीजिए और अपने आप को ठाकुर जी के रंग में रंग कर ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त कीजिए। आप में से बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि नंदोत्सव मनाया क्या जाता है। जब हमारे लाला का जन्म कारागार में हुआ था, उस वक्त आधी रात्रि में सभी सैनिक सो गए थे और जो हमारे वसुदेव जी थे उनकी बेड़ियाँ अपने आप ही खुल गई थी। तो फिर वो हमारे शेर कान्हा को नंद राय जी के यहाँ गोकुल में छोड़ आए थे। और फिर जब सबको पता चला था कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो ये खबर धीरे धीरे हर गांव में, यानी ब्रज में पूरी तरीके से फैलने लगी और सभी लोग वहाँ लाला के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आने लगे। और जब सभी ब्रजवासियों ने कान्हा के दर्शन किए तो कान्हा की सूरत पर मोहित हो गए और उस दिन नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव पर सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा और यशोदा मैया को कान्हा के जन्म की बधाई दी और यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी कान्हा के जन्म की बधाई दी और इस तरह पूरा ब्रज आनंद में झूम उठा। और तब से आज तक नंदोत्सव मनाया जाता है और भक्त आनंद की अनुभूति करते हैं। तो चलिए अब आप सभी बिहारी जी की नंदोत्सव पर आरती का आनंद लीजिए। आप सभी देख ही रहे हैं कि आपको हल्के हल्के आरती के दर्शन हो ही रहे हैं। अभी आप सभी देख रहे हैं कि पुजारी आरती को लगा रहे हैं। आप सभी इस दिव्य दृश्य का आनंद लीजिए और चलिए अब हम सभी आरती का आनंद लेते हैं। मोर मुकुट कट काचिनी कर मुरली और माल, ये बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बनो बनो लाल को बेश, जय जय कुंज बिहारी लाल की दौरी आरती लेश। आरती की जय श्री नवनागर की, आरती की जय श्री नवनागर की। खंजन नैन वैन रस माते, खंजन नैन वैन रस माते, श्री रूप सुधार सागर की। आरती की जय श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुषमा आगर की। श्री रसिक सखीदम पते आरती सो, श्री रसिक सखीदम पते आरती सो, नैन से नुजागर की। आरती की जय श्री नवनागर की।
ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। श्री प्यारे की भांति भांति जुगे प्राण प्यारे जुगल किशोरी जानो। छिन्न न टारो पल होम इतुत्र हुए गीतानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। बार बार देखत रहूं दियो मोए निहार। श्री वृंदावन चरण रज और वृंदावन को वास। सब दारुण को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा राधा गाते ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। तो आप सभी को बिहारी जी के नंदोत्सव के दर्शन करके आनंद आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए शेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि सभी भक्त घर बैठे बैठे ही बिहारी जी के दर्शनों का आनंद ले पाएँ। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय बिहारी जी की और राधे राधे।